Hi dear students, welcome all of you on Akshay Academy YouTube channel. Students, I am Dimple Kataria and I am teaching here math subject of class 10th, okay? And here we will discuss the worksheet number 1 that will be distributed to you on 5th July 2021 and that is based on chapter real number. So student, what are real numbers? You know very well that real number is the combination of rational number and irrational number. मतलब कि जो भी आपके पास रियल नंबर होते हैं उसमें आपके पास रेशनल नंबर भी आते हैं और इरेशनल नंबर भी आते हैं. देन कॉन्सेप्ट इज व्हाट आर दीज. सो फर्स्ट इज इरेशनल नंबर, अ नंबर दैट इज नॉट रेशनल नंबर. भाई आपसे कहे कि टू टाइप्स के नंबर होते हैं, एक तो आपके पास होता है रेशनल नंबर और सेकेंड आपके पास होता है इरेशनल नंबर. तो आपके पास इरेशनल नंबर कौन से हैं? इरेशनल नंबर वही होते हैं आपके पास जो रेशनल नंबर नहीं होंगे. देन व्हाट आर रेशनल नंबर? सो बच्चों, जो रेशनल नंबर होते हैं दे कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू. पी अपॉन क्यू दैट मीन्स न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर. एंड हेयर इट इज़ अ कंडीशन हेयर दैट क्यू मस्ट नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो. क्यू की जो वैल्यू है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होनी चाहिए. सो इस टाइप का अगर आपके पास कोई नंबर होता है तो आप उसे कहेंगे रेशनल नंबर. और जिन्हें आप इस तरह से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं आप उन्हें कहेंगे इरेशनल नंबर. क्लियर? सो एग्जांपल्स ऑफ इरेशनल नंबर आर रूट टू, रूट थ्री, रूट फाइव एंड सो ऑन. सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अब हमारे पास आता है को प्राइम नंबर. व्हाट आर को प्राइम नंबर? टू नंबर्स विच हैव ओनली वन एज देयर कॉमन फैक्टर. अगर कोई भी दो नंबर्स आपके पास ऐसे हो जिनका कॉमन फैक्टर आपके पास ओनली वन आता है देन दे आर को प्राइम नंबर. सपोज कर लेते हैं एक एग्जाम्पल, जैसे कि हमारे पास एक नंबर है यहाँ पे 9 एंड अनदर नंबर इज 7. सो आपको यहाँ पे इन दोनों का एच सी एफ फाइंड आउट करना है. सो सबसे पहले आप फैक्टर्स कीजिए. तो 9 के फैक्टर्स आपके पास होंगे 3 × 3 × दैट मीन्स 3 × 3 9 और साथ साथ में 1 भी होगा क्योंकि 1 को भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो भी सेम नंबर ही आना है. नेक्स्ट टाइम 7 के फैक्टर्स लेते हैं तो 7 × 1 होता है. अब कॉन्सेप्ट आता है कि व्हाट आर द कॉमन फैक्टर्स. सो 1 इज़ द कॉमन फैक्टर. यहाँ पे 1 हमारे पास कॉमन है. सो एच सी एफ इज इक्वल टू 1. अगर आपके पास एच सी एफ 1 आया है तो इसका मीनिंग ये हुआ कि ये आपके पास फिर यहाँ पे कैसे नंबर हो जाएंगे? को प्राइम नंबर हो जाएंगे. क्लियर हुआ? ओके, वेरी नाइस. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अब हमारे पास आता है हेयर व्हाट आर एच सी एफ एंड एल सी एम. सो एच सी एफ लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स टू और मोर नंबर, कि सबसे बड़े से बड़ा नंबर. ओके, लार्जेस्ट नंबर जो दो नंबर्स को डिवाइड कर सकता है. लाइक अगर मैं यहाँ पे बोलूँ एक मेरे पास 5 है, ओके 5 छोड़िए चलिए 15 ले लिया, और एक मेरे पास है 20. तो इन दोनों का मैं अगर एच सी एफ निकालना चाहूँगी तो 15 के लिए तो मैं फैक्टर्स लूँगी 5 × 3 और 20 के लिए मैं फैक्टर्स क्या लूँगी 2 × 2 × 5. सो कॉमन नंबर इज़ 5. 5 कॉमन नंबर है. ओके, लार्जेस्ट नंबर. लार्जेस्ट मतलब यहाँ पे जितने भी फैक्टर्स हैं उनमें तो लार्जेस्ट यही है. नाउ डेट डिवाइड्स टू और मोर नंबर. अगर मैं 15 में 5 से डिवाइड करूँ तो क्या डिवीज़न जाएगा? कम्प्लीटली जाएगा. कितनी बार जाएगा? 3 टाइम जाएगा. ओके, और अगर मैं 20 को 5 से डिवाइड करूँ तो भी डिवीज़न कितनी टाइम जाएगा? 4 टाइम जाएगा. तो मतलब डिवीज़न गया ना. तो लार्जेस्ट नंबर इज़ 5. सो दिस इज़ एच सी एफ. और वहीं अगर मैं एल सी एम की बात करूँ तो एल सी एम होगा द स्मॉलेस्ट नंबर. ओके, स्मॉलेस्ट नंबर दैट कैन बी डिविजिबल बाई ईच ऑफ द गिवन नंबर. अब स्मॉलेस्ट नंबर दैट कैन बी डिविजिबल, देखो एच सी एफ से तो हम डिवाइड करते हैं लेकिन जब हम एल सी एम की बात करते हैं ना तो हम एक साथ प्राइम फैक्टर यहाँ पे करते हैं. जैसे अब हमने यहाँ पे किया 5 से किया, 5 × 3 = 15, 5 × 4 = 20. ओके, तो अब 3 और 4 में तो कोई कॉमन है नहीं. अगर अब हम यहाँ पे 5, 3 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा? 60. सो दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाय 15 और 20 बोथ. ये आपके पास एल सी एम का रूल है. तो चलो आप 60 को 15 से डिवाइड करो तो कितनी बार डिवीज़न जाएगा? 4 टाइम. क्लियर? कंप्लीट डिवीज़न जाएगा. और अगर आप 60 में 20 से डिवाइड करो तो 3 टाइम डिवीज़न जाएगा एंड दैट विल बी ऑल्सो कम्प्लीटली. सो 60 इज़ डिविजिबल बाय 15 और 20 बोथ. ओके, सो 60 इज़ द लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज़ डिविजिबल बाय बोथ नंबर. सो इट इज़ द एल सी एम. ये हो गया हमारे पास एल सी एम का कॉन्सेप्ट. नाउ लुक एट द डेसिमल एक्सपेंशन. यहाँ पे हमारे पास कुछ डेसिमल एक्सपेंशन है, हमें इनको फोकस करना है. सो फर्स्ट इज़
वन अपॉन सेवन जिसका डेसिमल एक्सपेंशन ये होता है। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे डॉट 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 लगे हुए हैं। डॉट 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 इनका मीनिंग होता है कि डिवीजन का जो एंड नहीं हो रहा है, सो डिवीजन एंड नहीं हो रहा है, दैट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग। तो आप क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग बोलेंगे, ओके। और साथ साथ में अब आप देख रहे हैं 142857, ओके, अगेन 142857 रिपीट हो रहा है ना, ये एक ग्रुप है कुछ डिजिट्स का जो रिपीट हो रहा है, सो रिकरिंग हो गया। सो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया और रिकरिंग, ये आपका डेसिमल एक्सपेंशन हो गया, क्लियर। सो ये आपका किस टाइप का होगा? इट इज़ ऑफ रेशनल नंबर, इसको आप बोलेंगे रेशनल नंबर। एंड सेम टाइम अगर अब हम यहाँ पर 3/8 देखेंगे तो 0.375 आ रहा है, यहाँ पे कोई डॉट 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 नहीं है ना, सो दैट मीन्स डिवीजन प्रोसेस इज एंडिंग, यहाँ पे एंड हो रहा है, सो इट इज़ टर्मिनेटिंग। और जब टर्मिनेट हो जाता है तो भी आपके पास कौन सा होता है? रेशनल नंबर, क्लियर। एंड अगेन एग्जाम्पल इज ऑफ रूट टू, दैट इज़ 1.4142139। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे डॉट 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 है, दैट मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग है, बट यहाँ पे कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है, सो इट इज़ नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, सो इट इज़ इरेशनल नंबर, ये इरेशनल नंबर हो गया, ओके। क्लियर हो गए आपके पास डेसिमल एक्सपेंशन? टू टाइप्स के नंबर हुए, रेशनल और इरेशनल। रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन आपके पास यहाँ पे कैसा हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग एंड टर्मिनेटिंग, ओके, दोनों टाइप का हो सकता है। बट इरेशनल नंबर की बात करोगे तो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, ये आपका कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट, अब हम यहाँ पे हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है दैट इज़ डिवीजन एल्गोरिदम। डिवीजन एल्गोरिदम का मतलब है कि जब आप डिवीजन करते हो डिवीजन प्रोसेस में तो कैसे कैलकुलेशन कर पाते हो। जैसे अब आप यहाँ पे देखो 245 है और यहाँ पे 3 से डिवाइड कर रहे हो, ओके, तो डिवीजन जा रहा है कितने टाइम्स? 81 टाइम्स आपके पास डिवीजन जा रहा है। सो आप यहाँ पे इसको बोलते हैं कोशेंट, ठीक है बच्चों, आप इसको क्या बोलेंगे? कोशेंट बोलेंगे, QUOTIENT। नेक्स्ट 3 से आप डिवाइड कर रहे हो, सो इट इज़ डिवीजर, ये आपके पास डिवीजर हो गया। और जिसको आप डिवाइड करोगे दैट इज़ डिविडेंड, उसे आप बोलेंगे डिविडेंड। और जो आपके पास यहाँ पे, जैसे यहाँ पे 2 बचता है तो ये आपके पास यहाँ पे क्या हो जाता है? रिमाइंडर हो जाता है, ठीक है, इट इज़ रिमाइंडर। सो अगर आप यहाँ पे देखें डिवीज़न एल्गोरिदम क्या है, मतलब ये जो प्रोसेस हमने किया कैसे किया, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ फोकस करने वाली बात है कि जो डिविडेंड है 245 दैट इज़ द लार्जेस्ट, और इसके लिए आप 3 को 81 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे मिस टाइप है, आप इसको ठीक कर लेना, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है, 81 को 3 से करना होगा। 81 हमने क्या बताया था? कोशेंट बताया था, ओके, और कोशेंट को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? डिवीज़र से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कोशेंट इंटू डिवीज़र, ओके। और जो रिमाइंडर है, मतलब जो भी आपके पास बच रहा है दैट इज़ कॉल्ड रिमाइंडर। सो डिविडेंड इज इक्वल टू कोशेंट इंटू डिवीज़र प्लस रिमाइंडर, दैट इज़ द डिवीज़न एल्गोरिदम, ये हमारा डिवीज़न एल्गोरिदम है। सो नेक्स्ट ट्राई योरसेल्फ, देर आर सम क्वेश्चंस वी हैव टू सॉल्व इट। फर्स्ट राइट द डिवीज़न एल्गोरिदम फॉर 210 एंड 128। सो डिवीज़न एल्गोरिदम दैट इज़ वेरी ईजी, चलिए कैसे देखो। आप सबसे पहले देखेंगे 210 और 128 में से आपके पास यहाँ पे लार्जर क्वांटिटी कौन सी है। सो वी नो डैट 210 इज़ ग्रेटर देन 128। सो हम यहाँ पे 210 में 128 से डिवाइड करेंगे, ओके, और ये डिवीज़न जाएगा वन टाइम, तो 128 यहाँ पे लिखेंगे। सब्ट्रैक्ट अगर हम यहाँ पे करते हैं तो 10 माइनस 8 होगा 2 और 10 माइनस 2 होगा 8, ओके। सो स्टूडेंट्स आपने यहाँ पे देखा डिवीज़न एल्गोरिदम आपको लिखना है। डिवीज़न एल्गोरिदम का जो प्रोसेस है उसके अकॉर्डिंग हम सबसे पहले क्या लिखते हैं? डिविडेंड, ओके, डिविडेंड के बाद डिवीज़र, डिवीज़र को हम मल्टीप्लाई करते हैं कोशेंट के साथ, ओके, और कोशेंट के बाद हम प्लस कर देते हैं उसमें क्या? रिमाइंडर, फाइन। सबकी वैल्यूज अप्लाई कर दीजिए, डिविडेंड दैट इज़ इक्वल टू 210, डिवीज़र दैट इज़ 128, कोशेंट 1 प्लस 82। सो दिस इज़ द डिवीज़न एल्गोरिदम फॉर क्वेश्चन नंबर 1। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा अच्छे से, ओके। सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड HCF एंड LCM ऑफ 112 एंड 86। आपको इसका HCF भी फाइंड आउट करना है एंड LCM भी फाइंड आउट करना है। सो सबसे पहले HCF फाइंड आउट करते हैं। HCF के लिए हमें यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन सेपरेटली इनका कैलकुलेट करना होगा,
टू से डिवाइड दिया, टू फिफ टू फाइव ज़ टेन, टू सिक्स ज़ ट्वेल्व, अगेन टू 28, नेक्स्ट टाइम टू 14, अगेन हमने यहाँ पे टू से डिवाइड किया, टू सेवन जा 14, सेवन वन जा 7, ओके। नेक्स्ट टाइम 86 है, अब आपने 86 को कर दीजिए टू से, टू फोर जा 8, टू थ्री जा 6, फिर अब ये तो भैया 43 से ही जाएगा, इसके अलावा और कोई तो है नहीं हमारे पास, तो अब हम 112 के फैक्टर लिख देते हैं यहाँ पे, टू फोर टाइम है मल्टीप्लाई बाय 7, अगेन 86 का लिखिए, दैट इज़ 2 इंटू 43, सो कॉमन, कॉमन क्या है इन दोनों में, 2 इज़ कॉमन, ये चलिए 2 इज़ कॉमन, एंड एलसीएम, एलसीएम में हम बाकी सब लिख देंगे, देखो 2 तो कॉमन है ही और बाकी सब जो वैल्यूज़ है वो लिख देते हैं अलग से, तो 2 आपने 3 टाइम लिखा, अगेन आपने यहाँ पे क्या लिखा 7, और फिर उसके बाद है 43, इन सबको जब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है 4816, तो आपके पास ये एलसीएम हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट, बट क्वेश्चन में तो आपको ये बोला है दैट यू हैव टू शो 112 इंटू 86 इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम, मतलब आप दोनों जो आपके पास नंबर्स है उन नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, सो लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करना है, तो मैं यहाँ पे 112 इंटू 86 को मल्टीप्लाई करती हूँ, सो स्टूडेंट्स आफ्टर मल्टीप्लिकेशन आई गेट 9632, ओके। एंड अगेन मैं अगर यहाँ पे HCF इंटू LCM करती हूँ तो ये HCF तो 2 है, LCM मेरे पास 4816 है, और इनको भी मल्टीप्लाई करने पर 9632 मिलता है, सो ये दोनों नंबर मेरे पास क्या आ जाते हैं यहाँ पे, इक्वल आ जाते हैं, ओके। और जब इक्वल आ जाते हैं सो आई कैन राइट ईजिली डैट 112 इंटू 86 इज़ इक्वल टू HCF इंटू LCM, दैट इज़ शॉन, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द फॉलोइंग, आपको बताना है कि किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है। सो फर्स्ट इज़ 164 डिवाइडेड बाय 12, तो बच्चों हम यहाँ पे 164 जो है इसमें 12 से डिवाइड करते हैं, चलो करो 12 वन जो 12, आपके पास यहाँ पे बचेगा 4, 4 12 थ्री जो 36, ओके। नाउ यू हैव 8, पॉइंट लगाया यहाँ पे, ज़ीरो लगा 80, तो आप किससे डिवाइड करेंगे, 12 सिक्स जो 72 से, ओके, माइनस किया 8 आया, फिर अगेन 0, फिर 12 सिक्स जा 72, ओके, अगेन 72 तो 8 आया, सो मतलब 8 आता जाएगा बार बार, और 8 आता जाएगा तो यहाँ पे भी 666 आता जाएगा, तो डॉट 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 लगा दिया। अब जब डॉट 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 लग गया है तो बच्चों ये हमारे पास कैसा हो जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाता है, और 6 यहाँ पे रिपीट हो रहा है, मतलब हर बार 6 आता चला जाएगा, सो नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ ये हमारे पास क्या हो जाता है यहाँ पे, रिपीटिंग भी हो जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ये हमारा यहाँ पे डेसिमल एक्सपेंशन हो गया है। ये लीजिए, मैं एक बार इसको अच्छे से ऐसे दिखा देती हूँ, आप यहाँ से इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट नंबर देखिए यहाँ पे 83, और इसको हमें 7 से डिवाइड करना है, चलिए अब हम 83 को भी 7 से डिवाइड करके देख लेते हैं यहाँ पे, ओके, ये लीजिए यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे मेरे पास बहुत सारा स्पेस है, 83 डिवाइड किया 7 से, 7 वन जा 7, 1 3, 7 वन जा 7, अगेन 6 पॉइंट, एंड हियर 0, 60, सो इट इज़ 7 8 जा 56, ओके, माइनस 4, फिर ये 0, अगेन 7 5 जा 35, 40 माइनस 35 दैट मीन्स रिमेन 5, 0, फिर 7 7 जा 49, अगेन 1, एंड देन 7 1 जा 7, ओके। सो यहाँ पे एक तो 7 7 जा 49 और एक 7 1 जा 1, और ये मतलब आप देख रहे हो रिपीट, मतलब रिपीट तो नहीं हो रहा है लेकिन एंड भी नहीं हो रहा है, सो इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, ओके, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, इस टाइप का ये हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन हो जाता है। नेक्स्ट जो है बच्चों हमारे पास है 100/15, 100/15 है, अगर अब हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं 100 में, सो 15 सिक्स 90, क्लियर,
आपने कितना बचा, 10 बचा, पॉइंट लगाया, फिर ज़ीरो हो जाएगा 100, अगेन 15 सिक्स जा 90, फिर अगेन आप देख रहे हो 6666 होता जा रहा है। मतलब ये आपके पास कैसा हो रहा है, यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग हो रहा है, और नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ में ये कैसा हो रहा है, रिपीटिंग हो रहा है। तो ये आपका डेसिमल एक्सपेंशन हो गया है। नाउ लास्ट क्वेश्चन फोर्थ, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। स्टूडेंट्स बोथ आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो इस टाइप का जो आपके पास नंबर होता है वो आपके पास इरेशनल नंबर होता है। क्लियर बच्चों? सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको बहुत अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और साथ साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।